सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं। किसानी संबंधित जानकारी YouTube। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे आयसर कंपनी के 485 ट्रैक्टर के बारे में। ये काफ़ी पुराना और काफ़ी पॉपुलर ट्रैक्टर है आयसर की तरफ से। इसकी हम पूरी डिटेल जानेंगे कि क्या क्या इसके अंदर चेंज कर दिया गया है और क्या कंपनी ने नया लाई है जिससे इसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। सबसे पहले अगर लुक की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कलरों में आता है, जिसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर कलर सिल्वर है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। ये रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है आयसर, ऊपर लिखा हुआ है 485, उसके बाद लिखा है हाइड्रोमेटिक, उसके ऊपर लिखा हुआ है पावर स्टेयरिंग, और अगर आप साइड में देखोगे तो डूल क्लच की ब्रांडिंग लगी हुई है। साथ ही इस ट्रैक्टर के इंजन की बात की जाए तो इसके अंदर 45 HP का रिकॉर्डो इंजन आता है जो कि 3 सिलेंडर में आता है, और इसकी अगर CC की बात की जाए तो 2945 CC का आता है जो कि इनलाइन पंप के साथ है। और इस इंजन की खास बात यह है कि यह ट्रैक्टर सीरीज़ में एयर कूल्ड इंजन है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर कोई रेडिएटर नहीं होता और ये हवा से ही ठंडा होता है। साथ ही इसमें ये 2 पंप लगे हुए हैं, जिसमें से एक हाइड्रोलिक के लिए दिया जाता है और दूसरा पावर स्टेयरिंग के लिए दिया जाता है। जिसमें पावर स्टेयरिंग वाली खास बात यह है कि इसके अंदर डबल ट्विस्टिंग वाला है, जिसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उससे पहले अगर इस इंजन की डिटेल देखी जाए तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन है और काफ़ी पुराना है, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर ठंडे के समय में ज़्यादा उपयोग किया जाता है ट्रैक्टरों का। साथ ही अगर इसके एवरेज की बात की जाए तो काफ़ी इफ़िशेंट माना जाता है इसे ट्रैक्टर सीरीज़ में, और काफ़ी पॉपुलर है हमारी आयसर कंपनी के तरफ से। उसी के बाद अगर आप इंजन के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लच दिया गया है जो कि डूल ऑप्शन में आता है। डूल मतलब होता है कि 2 क्लच एक ही पैडल में दिए जाते हैं। हाफ प्रेस करेंगे आप तो गेयरबॉक्स का क्लच लगेगा, फुल प्रेस करेंगे आप तो PTO का क्लच लग जाएगा। अब अगर दूसरे साइड का व्यू किया जाए तो यहाँ पर आपको सिलेंडर मिल जाएगा जो कि डबल वॉन के साथ आता है, मतलब दोनों साइड ऑपरेटिंग होता है। ये जो होता है पावर सिलेंडर जो है काफ़ी अच्छा होता है पावर स्टेयरिंग के लिए। इसमें जो है ट्रैक्टर को कम पावर लगानी पड़ती है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। उसी के बाद आप देखेंगे तो एक बड़ा सा फिल्टर दिया गया है जो कि ऑयल के लिए है। उसी के ऊपर ये 3 फैन दिए गए हैं जो कि इंजन को ठंडा करने के लिए काम आते हैं। ये हवा को खींच कर अंदर डालते हैं ताकि इंजन जो है वो ठंडा हो सके। उसी के बाद आप देखेंगे तो बाहर साइड इसमें बैटरी दी गई है ताकि आप में जो लिक्विड है वो बॉडी के ऊपर ना गिरते हुए उसे कलर खराब ना करें। उसी के बाद अगर हम इसके ब्रेक की बात करें तो इसके मल्टीप्लेट ऑयल इमर्ट डिस्क ब्रेक हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। ये जो होते हैं काफ़ी क्विक ऑपरेशन में होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक काम करते हैं। लगभग आजकल सभी ट्रैक्टर सीरीज़ में जो है डिस्क ब्रेक ही लगाए जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर वेट कर देखें क्या इंप्रूवमेंट किया है कंपनी ने, तो यहाँ आप देखेंगे जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी स्टाइलिश तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर आपको बैटरी के लिए, फ्यूल के लिए, वहीं ऑयल के लिए, साथ ही जो इंजन ऑयल के लेवल के लिए, सभी के लिए जानकारी दी गई है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही इसमें एक और ख़ास बात यह है कि इसके जो मीटरी डिज़ाइन है वो काफ़ी अलग कर दिया गया है। इसका जो मीटरी डिज़ाइन है वो कार स्टाइल में होता है, जिसके अंदर आपको RPM भी मिल जाएगा, उसी के साथ कितने घंटे काम किया वो भी दिखाएगा, साथ ही जो टाइमिंग है मतलब अभी क्या टाइम हो रहा है ये सब भी बताता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस ट्रैक्टर सीरीज़ में। इसे देख कर काफ़ी अच्छा लगता है कि कुछ एडवांसमेंट लाई है कंपनी ने। उसी के बाद अगर आप इसके फ्यूल टैंक की बात करेंगे तो ये 50 लीटर का फ्यूल टैंक है जो कि फाइबर बॉडी में नहीं आता है, मतलब टीन की बॉडी में दिया गया है। उसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ की स्विच मिल जाएगा, साइड से हॉर्न का स्विच मिल जाएगा, नीचे आपको देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉपर स्विच भी मिल जाएगा। और इसके प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ज़्यादा फ्लैट नहीं दिया गया है, बीच में थोड़ा सा बम। उसी के बाद अगर हम इसके गियरबॉक्स की बात करें तो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का स्लाइडिंग मेश गियरबॉक्स दिया गया है जो कि साइड शिफ्टेड ऑप्शन के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें एक साइड 4 गियर और 1 रिवर्स दिया गया है, और दूसरे साइड जो गियर है उसमें हाई लो का ऑप्शन दिया गया है जिससे कि काफ़ी आसानी से आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसी के साथ अगर इसकी हाइड्रोलिक की बात की जाए तो ये ADDC टाइप की हाइड्रोलिक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है कंपनी ने, क्योंकि इसकी हाइड्रोलिक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बीते समय में, जिसे बिल्कुल ही कंपनी ने चेंज करके नई हाइड्रोलिक लाई है जो काफ़ी पॉपुलर हो रही है। और ये जो हाइड्रोलिक है काफ़ी फेमस भी हमारे इंडिया में, जिसकी मैं पूरी डिटेल आपको बताऊँगा। वहीं अगर हम दूसरे साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लीवर मिल जाएगा जो कि PTO को इंगेज करने के लिए। इसे आप जैसे ही ऊपर करेंगे तो 540 में ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो रिवर्स PTO आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उसी के साथ इसमें प्लास्टिक का एक टूल बॉक्स भी दिया गया है जिसमें आप अपने टूल रख सकते हैं।
अगर इस ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक की बात की जाए तो 1800 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ आती है, जो कि 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ आती है। मतलब इसमें 3 अलग अलग पॉइंट दिए गए जिससे आप मिट्टी के हिसाब से सेंस करवा सकते हैं। और ये जो हाइड्रोलिक है, ये डिज़ाइन जो होती है मीटा हाइड्रोलिक डिज़ाइन है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है हमारे इंडिया में, और ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है सभी ट्रैक्टर कंपनीज़ के अंदर। इसलिए इसमें जो इंप्रूवमेंट है वो काफ़ी सही किया कंपनी ने, क्योंकि इसकी जो हाइड्रोलिक है उसमें कुछ प्रॉब्लमें आ रही थी, इससे इन्होंने चेंज करके इसे मीटा हाइड्रोलिक में ला दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी के बाद अगर इसकी पीटी की बात की जाए तो HP की कंफर्म नहीं किया गया है कंपनी के तरफ से कि कितना आउटपुट है। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना आउटपुट है इसकी PTO का। वहीं अगर इसके एक्सेल की बात की जाए तो ये स्ट्रेट ड्राइव के साथ आता है, साथ में इसमें 0 पॉइंट लुब्रिकेशन है। इसका मतलब ये किसी भी पॉइंट पे आपको ग्रीस नहीं करना है। अगर आप मड में चलाओगे भी तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप कितना ही चलाओ इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो 6/0/0/16 के फ्रंट टायर दिए गए हैं, और रेयर टायर की बात की जाए तो ये 14/9/28 के दिए गए हैं। तो यही सब कुछ है आइसर के 485 के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।